एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग खमा घनी साहब। और आप सबका बहुत 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 स्वागत है मेरे चैनल पर। सो गाइस, बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। तो अभी कंटिन्यू नहीं रह पा रही हूँ, बहुत बार बोला भी है आपसे कि कंटिन्यू रहूँगी बट नहीं रह पा रही हूँ। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक अमेजिंग सी वीडियो। सो मैंने काफ़ी टाइम पहले एक है ना आउटफिट बनवाई थी स्क्रैच से, तो आपको आउटफिट कैसी लगती है? और वो है मेरा राजपूती पोशाक जिसे बोलते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, सब लोग साड़ी और इन सब की पोशाकें बनवा रहे हैं। सो अभी जो ट्रेंड में है पोशाक वो है चंदेरी पोशाक। आई एस चंदेरी नहीं, उसको क्या कहते हैं याद ही नहीं आ रहा मुझे। अरे ना कहना आप क्या चाहते देख कर हो? पता कर लेना। साउथ इंडियन साड़ी थी वो मैंने साड़ी ली थी पोरबंदर से, जो कि मुझे अराउंड 1800 रुपये की पड़ी खाओ थी। माँ कसम। सो उसकी फोटो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। सो वो कुछ इस तरीके की साड़ी है। तो इसका मैं किस तरीके से मिसमैच करके आउटफिट बना रही हूँ या मैंने बना ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो चलो चलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं पूरी पोशाक की कॉस्टिंग की, कितने की पड़ी है। तो मैंने जैसा पहले ही बताया आपको 1800 की पहले थी और ये 500 रुपीस, और इसका अस्तर भी था जो कि मुझे 800 रुपीस का पड़ा था। और क्या रह गया, और दुपट्टा मुझे 500 का पड़ा था। लेस 100 रुपीस की थी इसकी, और सिलाई का मैं इस लेस का नहीं लूँगी क्योंकि मेरी सास ने लुगड़ी पर लेस लगाई थी। सो अब इसका जो टोटल है वो कॉस्टिंग मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखना कितने की बड़ी है। आप बताना कमेंट सेक्शन में ये सही प्राइस है या नहीं, और आप में से किसी ने अगर स्क्रैच में बनवाई हो पोशाक उसका प्राइस क्या होगा वो भी ज़रूर मेंशन करना आप सब लोग। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो शॉप है मैंने एक पोशाक और इससे परचेज़ की है शॉप से, बहुत अच्छी शॉप है। सिलाई वहाँ की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसा आप देख रहे हो बहुत ही सुंदर वर्क आता है इसकी सिलाई का, साफ़ सुथरा काम है। आप जाओ तो परचेज़ कर सकते हो। ये पड़ेगी आपको दादी का फाटक पर आँचल परिधान, मैंने वहीं से स्टिच करवाया है पूरा अपना बेस। तो बताना क्या, और इसका स्टिचिंग प्राइस 1000 रुपीज़ था तब, अब तो शायद ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि एक साल हो चुका है इस पोशाक को। सो कैसा लग रहा है आपको मेरा ये लुक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छे अच्छे से कमेंट कर दो फटाफट से, ताकि मैं अपने कमेंट्स को, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स को अपने वीडियोज़ में शो कर सकूँ यहाँ पर स्क्रीन पर। सो फटाफट से अच्छे अच्छे कमेंट करना आज का वीडियो कैसा लगा। दोबारा शायद तीसरी बार बोल रही हूँ मैं आपको, कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।